Hey guys, welcome to my new vlog. तो अभी सुबह के 9 बज चुके हैं और हम लोगों का नाश्ता हो गया. तो मैंने कल का व्लॉग बनाया नहीं था क्योंकि कल अम्मा का श्राद्ध था और हम लोग सब चाची उनके यहाँ पे थे क्योंकि चाची लोग ही अम्मा का श्राद्ध बनाते हैं और हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया. मतलब कल मेरा मन किया कि हाँ मैंने व्लॉग बना लेना चाहिए था पर मैंने शुरुआत ही नहीं की थी. पहले तो खाना ना बनाया और फिर दिन का खाना बनाया. फिर मामी लोग आ गए थे तो फिर गेम वेम खेले, बहुत सारे तंबूला वम्बूला खेला है. मैंने 10 रुपए लगाए थे अपने और 10 रुपए मैंने वापस आ मेरे 10 रुपए वापस आ गए. एंड आज बाहर का मौसम ना बहुत अच्छा हो रहा है. मतलब धूप भी नहीं हो रही है और बादल लगे हैं, बारिश भी नहीं हो रही है, सही हो रहा है. मतलब बाहर घूमने लायक अच्छा हो रहा है. अभी मैडम कहीं घूमने नहीं जा रहे, घर पे ही है. तो गाइस मयूर को मैंने बोल रखा है बाल कटवाने के लिए. इनके बाल काफी लंबे हो चुके हैं, देखो कितने लंबे हो गए. तो फटाफट से तुम बाल कटवा के ले आना. ज्यादा बोलोगे ना गोली मार दूंगा. और पीछे गली में भाभी और रिव्यांशी की सफाई चल रही है तो एक बार तुम लोगों को दिखा देती हूँ. वो देखो सामने, गुड 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 गुड. अच्छे से इधर भी हो रहा, देखो कूड़ा है, इधर भी हो रहा कूड़ा. ये साफ साफ करना है. कितनी होशियार होगी लड़की. एक बार अपनी शक्ल दिखाना. ये देखो मैं तो सार हूँ, मैं बहुत सारा काम करती हूँ, थक भी जाती हूँ. अभी आपने कभी यहाँ झाड़ू लगाया? नहीं. कितनी बार लगा रखा है मैंने? लगता तो नहीं आपको, देखिए तो नहीं है. अच्छा नहीं लगता. इतना सारा कूड़ा कौन करके लाया अभी? बड़े पापा ने किया है कूड़ा सारा. अभी बताती हूँ बड़े पापा को, ठीक है? मैं जाती हूँ जरा बड़े पापा के पास, जाती हूँ उनसे बोल के आती हूँ. हाँ ये फूल किस चीज का ये नहीं पता मुझे. ये केले का फूल है. केले का फूल है. अच्छा तो आज चल रही है यहाँ पे सफाई. एंड इधर है हमारा, यहाँ है भूतों का घर. यहाँ हमारी बल्लियाँ वल्लियाँ रहती है, मतलब ऐसा सामान होता है ना लकड़ी वकड़ी, वो सब हम यहाँ रखते हैं. तो इसको अभी बंद कर देते हैं वरना यहाँ कोई घुस जाएगा. इसके अंदर इतना बड़ा भूत आता है. हाँ मैंने देखा था, इसके अंदर था. ऐसे ऐसे काले काले बाल थे उसके, ठीक है, और गोरा गोरा मुंह था और ऐसे झबरू झबरू जैसा लगता था. है? हाँ अभी सोया है. उसने कंबल ओढ़ा था. हाँ उसने कंबल भी ओढ़ रखा है, रजाई भी ओढ़ रखी है, मोटा सा स्वेटर भी पहन रखा है. उसको ठंडा लग जाता है भूत को, इसलिए चुपचाप सो गया अभी. हल्ला नहीं करते. सो गाइस आज हम बना रहे हैं दिन में चने की टुक्के. तो मतलब भटके टुक्के तो सभी लोग खाते थे, तो चने की टुक्के आज मैं बताती हूँ. तो कल रात ना मैंने ये चने भिगा के डाले थे और अभी अच्छे से भीग चुके. कोई दाल वाले चने और ये वैसे वाले साबुत चने. तो इनको मैं फटाफट से पहले मिक्सी में गर्र कर देती हूँ. इसमें डाल दिया है थोड़ा सा हींग. चलो एक बार इसको फिर से गर्र कर देती हूँ. इधर हमारा तेल गर्म हो गया. अब इसमें हम सूखी मिर्च का तड़का लगाएंगे और थोड़ा धनिया का, थोड़ा जीरे का तड़का लगाएंगे. ये जो डब्बा है ना किसान जैम का, ये एक्चुअली धनिया का डब्बा है हमारा. सबसे पहले हम इसमें धनिया डाल देते हैं, फिर हम इसमें जीरा डालेंगे. तो अब हम इसमें मिर्च डाल दी है. इधर मम्मी मस कर रही है सारे मसाले, जैसे नमक मिर्च हल्दी धनिया जो जो होता है. हाँ, पहले मसाला चला देना फटक से. तो गाइस धूप का चढ़ा के मैं आ गई हूँ और अब मैं जा रही हूँ मयूर के साथ खेत में. मेरे पति आपको खेत में मिलेगा. वाह यार कितने सुंदर फूल हो रहे हैं, देखो लग कितने प्यारे थे. गाइस इधर हमारा है काजी नींबू का पेड़. इतने छोटे छोटे काजी नींबू हो रहे हैं. इसमें चाय में डाल के पियो ना काजी नींबू का पानी. हाय 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 मजा आता ना. मम्मी चाय बनाओ फिर, मतलब जैसे हम काली चाय बनाते हैं, पत्ते इतनी कम डाल दो बस, और थोड़े से पत्ते डाल दो, थोड़ा अदरक डाल दो और थोड़े से नींबू निचोड़ दो और थोड़ा सा शहद डाल दो और उसके बाद फिर चाय पियो उसकी, वो बहुत ज्यादा टेस्टी होती है. ये स्पाइडरमैन कहाँ जा रही है? तो भैया बहुत संभल के जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हल्दी के खेत भी है. आराम से ही आ रही हूँ. हाँ गाइस ये देखो इतना बड़ा कद्दू की अभी तो बंदरों की निगाहों से बचते हुए आ रहा है. तो बड़े लगाते भी नहीं, अंदर कहाँ जाएंगे कंधे में. इतना बड़ा तोड़ भी पाएंगे वो, इतना भारी कद्दू. तो इसको तोड़ के लाके भी इतना भारी हो रहा है. मैं ककड़ी खाती भी नहीं हूँ वैसे, फिर भी मुझे उठानी पड़ी. खाली मतलब यहाँ से नीचे गई खेत में और भी तब हाल उठाना पड़ा. मयूर अपना खाली खाली आ रहे थे. चलो मैं अपनी सब्जी भी चला लेती हूँ. देखो मेरे डुबके, मुझे ना भट के डुबके से अच्छा ना ये चने के डुबके बहुत पसंद है. क्या कर रहे थे प्रियंसी? नौती की सफाई कर रहे हो. नवरात्रि नहीं, अंदर नहीं जाना है, अंदर नहीं जाना है. हाँ मिर्च खाने लगे, मिर्च खाने लगे. हिम्मत करना. चलो डेली की तरह
चाय देने के लिए। मैं तो चाय दे के आती हूँ फटाफट से, चाय दे के आ गई हूँ। घर को चलते हैं, धूप बहुत तेज हो रही है यार। इधर सारा नवरात्रि के लिए पेंट लग चुका है, कल ही शाम लगा था इनमें सब में। इधर बस अब नवरात्रि दूर नहीं है इसलिए फटाफट पेंट भी फिनिश हो रहा है यहाँ कुटिया का। बुआरी हुआरी और मैं कौन हूँ? मामा। आप बुढ़िया मामा? मामा ओके गाइस, दिव्यांशी की पीठ में मैं कुछ लिख रही हूँ, दिव्यांशी बताएगी। ओके दिव्यांशी, ओके क्या लिखा? गुड। क्या लिखा? गुड। आप? गुड। आप? गुड। ठीक है, हेलो गाइस, बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर। गाइस अभी हम लोगों ने लंच कर लिया है और अभी थोड़ी देर में मयूर जाएंगे बाल कटाने के लिए। और लंबे बाल हो गए ना जबरू के, जबरू के बाल लंबे हो गए तो ये बाल वाल कटा के लाएंगे फटाफट से तो फिर नहाएंगे। और आज जैमी ने अपना पता नहीं यहाँ पे खुजला खुजला के क्या कर दिया, देखो पूरा ब्लड निकल रहा है यहाँ पे। अभी शाम को दवाई लगाएंगे अब इसके यहाँ पे, ये बहुत परेशान हो गया बेचारा। तबीयत हमेशा खराब रहती है, हमेशा खराब रहती है ना। मेरे कुछ चुके मेरा बहुत कुछ 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 कुछ, ये देखो ये सो गई। इसका और कोई काम धाम नहीं है, खाया पिया और सो गया। तो गाइस जैसे कि बिन्नी ने आपको पहले ही बताया था कि मेरे को जाना है अभी हेयर कट के लिए तो मैं वही जा रहा हूँ। तो गाइस अभी 4 बज चुका है और सो के उठ गई, चप्पल पहनी थी गिर गई थी मम्मी। वाह भाई बाहर मौसम हो गया बारिश का खतरनाक वाला। ये मेरे पीछे पूरा अंधेरा हो चुका है, गड़म गड़म की आवाज से मैं उठी, अब तो आवाज भी नहीं आ रही गड़म गड़म की। इसका मतलब बारिश आने वाली है थोड़ी देर में। इससे पहले बारिश आएगी तो फिर लाइट जाएगी, लाइट जाएगी तो मेरा काम नहीं होगा। तो पहले मैं अपना काम निपटा लेती हूँ फटाफट से। यहाँ पे मैंने सब्जी चढ़ा दी है मतलब भिंडी की, और साथ में मैंने चाय भी बना दी यहाँ पे। आज अदरक खत्म हो गया था तो हमने इलायची डाल दी इसमें। और मयूर भी अपने बाल कटवा के लेके आ गए, बाहर दिखाना ना अच्छे से, अच्छे से कैसे दिखाते हैं यहाँ पे भी अच्छा आ रहा है। लाइटिंग करती हूँ मैं, देखो मुड़ो, देखो ऐसा करो, ये देखो, अच्छा लगो, थोपड़ा तो सही करो, पहले थोपड़ा सही करो, खोल तो कर बड़ा थोपड़ा वैसे अच्छा लग रहा है। तो गाइस अभी हम लोग डिनर करके रूम पे आ गए और अभी 10 बजने वाले हैं, मतलब 9:40 तो हो गए थे। तो अब वीडियो एडिट करते हैं और आज तो मेरा स्टमक पेन भी हो रहा है थोड़ा थोड़ा, एक तो स्टोन की प्रॉब्लम है मुझे, तो अगर ज़्यादा बढ़ेगी तो फिर दिखाएंगे, वैसे अभी तो हो नहीं रहा ज़्यादा, हल्का फुल्का हो रहा है यहाँ पे साइड में। और इस ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएगी, अगर पसंद आए तो प्लीज़ गाइज लाइक कर देना, नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना, बिना सब्सक्राइब करे मत जाना। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।